एक बार फिर आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों के बीच एक बालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बालक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद भदोही में हड़कंप मच गया। आखिरकार जिस बात का जनपद वासियों को भय था हुआ वही, क्योंकि मुंबई की यह मुसीबत भदोही के गले पड़ गई है। ऑरेंज जोन भदोही में चौथा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर तहसील के रमईपुर का एक परिवार अभी मुंबई से भदोही आया था। सूत्रों की माने तो इसी परिवार में किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद यह परिवार मुंबई से भदोही पहुंचा। 16 लोग पहुंचे थे। इन 16 लोगों का स्वैब जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें एक 10 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रमईपुर गांव का यह मामला है। बालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना से जहां लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। आनन फानन में जिले के आला अफसर रमईपुर गांव पहुंचे और उस क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। मुंबई से आए रमईपुर के इस परिवार के सभी लोगों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको सत्यम न्यूज वेब टीवी पर बता रहे हैं। आपको याद दिला दें कि सबसे पहले भदोही में बिहार के कटिहार का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे मंडली अस्पताल भेजा गया था, जो अब पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा मरीज औराई के कलूरपुर का था, जिसे मंडली अस्पताल मिर्जापुर में रखा गया है। इसी तरह तीसरा मरीज सेमरानाथ का था। अब कोरोना पॉजिटिव या चौथा मरीज एक 10 वर्षीय बालक मिला है। बालक का परिवार मुंबई से लौटा था। इन्हीं परिवार के किसी सदस्य की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई थी। हालांकि 10 वर्षीय बालक में कोरोना की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की भी कर चुका है। कोरोना पॉजिटिव बालक के अन्य परिजनों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इसी के मद्देनजर भदोही शहर के स्टेशन रोड को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सत्यम न्यूज ब्रेकिंग के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जो भरोसा हमारे दर्शक सत्यम न्यूज पर करते हैं वह भरोसा हम कायम रखना चाहते हैं। खबरों की जांच पड़ताल के बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम सत्यम न्यूज कहलाते हैं।